Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you all are doing good. So again I'm back with the video with you all, and in this video I will be discussing about the mostly asked question, that is, which company should I join as a fresher. So basically this video is going to be for the ones who have multiple offers in their hands and they have doubts like which company should they join. So in this video I will be clearing all your doubts related to this. So make sure you watch this video till the end, and yeah, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. So basically in this video hum टॉप थ्री कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि है TCS, विप्रो एंड इन्फोसिस. सो जैसे कि आप सबको पता होगा, मोस्टली ये जो कंपनीज हैं वो हर साल या हर साल में दो बार यू नो अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, एंड मोस्टली सबके एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड यू नो वर्बल एबिलिटी. सो ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं इनके एग्जाम में, एंड बहुत सारे एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाते रहते हैं ऑफ कैंपस भी एंड ऑन कैंपस भी काफ़ी बार. सो मोस्टली जैसे मैंने देखा है कि इन्हीं कंपनीज के ऑफर लेटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं अभी कैंडिडेट्स के पास, तो तभी हम मेजॉरिटी में इन तीन कंपनीज को लेके चल रहे हैं, TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो. TCS और विप्रो की बात करूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँ, तो जैसे कि विप्रो में हमारे पास है 5 ईयर्स का बॉन्ड, ठीक है, एंड 5 ईयर्स का बॉन्ड के साथ साथ वो आपको बिट्स पिलानी से एमटेक की डिग्री भी प्रोवाइड करवा रहे हैं. वेयर इज इन TCS देयर इज ओनली 1 ईयर ऑफ बॉन्ड, ओके, एंड आफ्टर दिस आफ्टर दैट यू कैन लीव द कंपनी. बट इन विप्रो मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोलूंगी कि आप ज्वाइन मत करिए या मत जाइए. अगर आपके पास तीनों में से किसी एक का भी है तो यू डोंट हैव एनी चॉइसेस, राइट, यू गो एंड यू नो अगर आपके पास कोई भी तीनों में से एक कंपनी है, आप जाइए बिना उसके सर्च करे कि क्या कंपनी है, कैसी है, वर्क कल्चर क्या, आप सीधा एक जाके चूज कर लीजिए. बट अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर्स है तब सोचने की बात है. तो मैं थी विप्रो पे, तो विप्रो की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड है विप्रो में. ऑल्सो द पैकेज इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड इट इज़ देयर इन द जॉइनिंग और द ऑफर लेटर. सो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका है यू नो एक पर्टिकुलर कंपनी में ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करने का, तो आप जा सकते हैं विप्रो में, कोई इशू नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू मी 5 ईयर्स का बॉन्ड किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. वेयर एज अगर हम TCS और इन्फोसिस को देखें तो TCS और इन्फोसिस में सिर्फ 1 ईयर का बॉन्ड है, इतना लंबा बॉन्ड नहीं है वहाँ पे. सो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एमटेक की डिग्री देख के जा रहे हैं तो सिर्फ एमटेक की डिग्री देख के मत जाइए, आप अपनी ग्रोथ भी देख के जाइए. आप 5 साल तक भले एक टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, बट आप 5 साल तक एक डिफाइंड पैकेज में काम कर रहे हैं. वेयर एज आउटसाइड आपके फ्रेंड्स जो हैं जो दूसरी कंपनीज में हैं या और जो कैंडिडेट्स हैं जो दूसरी कंपनीज में हैं, वो आपसे अच्छा पैकेज ले रहे हैं आफ्टर वर्किंग 2 ईयर्स एंड दे आर स्विचिंग एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड पैकेज. जितना आप आफ्टर 6 ईयर्स भी नहीं कर पाएंगे उतना उनको 2 से 3 साल में पैकेज अच्छा मिल रहा है. तो अगर मैं बोलूँ विप्रो को आप अपनी यू नो लीस्ट चॉइस पे रखिए. वेयर एज अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस और TCS के बारे में, सो दोनों का मैं बोलूँगी कि दोनों में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, ठीक है. जो एक मेजर डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है रीहायर प्रोसेस. अगर मान लीजिए आपने इन्फोसिस में 1.5 से 2 साल काम करा एंड यू वॉन्ट टू स्विच, सो आप किसी अच्छी कंपनी में स्विच कर लेंगे, आपका पैकेज अच्छा खासा हो जाएगा. आफ्टर वर्किंग देयर ऑल्सो अगर आपको दोबारा स्विच करना है सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन तो है ही, प्लस आपके पास इन्फोसिस भी एक ऑप्शन है कि आप वापस अपनी यू नो प्रीवियस कंपनी में जाके यू नो इंटरव्यू देके आप सिलेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं. वेयर एज इन TCS आप अगर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया एज अ फ्रेशर एंड मान लीजिए आपने कभी भी ज्वाइन करा TCS, अगर आपने छोड़ दिया यू कांट ज्वाइन TCS अगेन. इफ वंस यू आर अ TCSer एंड वंस यू लेफ्ट TCS यू आर नॉट अ TCSer एनीमोर. सो ये डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा. एंड रही बात अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जैसे विप्रो में तो आप लोगों के पास ऑलरेडी यू नो एनेक्शर्स होंगे, उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होगी सैलरी. अगर मैं TCS और विप्रो TCS और इन्फोसिस की बात करूँ तो येस थोड़ा डिफरेंस है TCS और इन्फोसिस की सैलरी पैकेज में. थोड़ा इन्फोसिस का हायर पैकेज है लाइक 2.2 to 2.5, वेयर एज TCS का अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो 1.9 से 2 तक का उनका पैकेज है, ठीक है. सो हार्डली 1000 to 2000 rupees का डिफरेंस होगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट या दिस ऑल्सो मैटर्स. नाउ अगर मैं बात करूँ
की ट्रेनिंग की. सो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस इज़ वेरी वेल नोन फॉर देयर ट्रेनिंग, देयर मैसूर ट्रेनिंग, बट एज ऑफ नाउ इट्स कोविड टाइम, सो वो उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं हो पाएगा. बट जितने भी कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ जो मुझे रिव्यूज़ दे रहे हैं वो बोलते हैं कि वहाँ की ट्रेनिंग, मैसूर की ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एंड बहुत हेल्पफुल रहती है उनको आगे अपने करियर ग्रोथ के लिए. वेयर एज अगर मैं TCS और विप्रो की ट्रेनिंग की बात करूँ तो वो एवरेज है, ठीक है. हार्डली TCS में तो हार्डली एक्सप्लोर कैंडिडेट्स के लिए 15-20 डेज की ही ट्रेनिंग होती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, बट इन्फोसिस की ट्रेनिंग इज वेरी वेल नोन फॉर देयर ट्रेनिंग. सो या इन्फोसिस का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है. अब अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट्स की तो प्रोजेक्ट्स देखो सबके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे, ऑल प्रोजेक्ट्स आर गुड इन एवरी MNCs. इफ द प्रोजेक्ट्स आर देयर इन द कंपनी, सो ये दिमाग में रख लो कि उनका बाहर भी उतनी डिमांड्स है, ठीक है, दूसरी कंपनी में भी डिमांड है. तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो, चाहे वो सपोर्ट का हो, डेवलपमेंट का हो, या टेस्टिंग का हो, या कोई भी दूसरा रोल हो, आपको सिमिलर रोल दूसरी MNCs में मिलेंगे. तो प्रोजेक्ट्स का तो देखिए कुछ ऐसा डिफरेंस मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं. वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है. अगर आपको डेवलपमेंट अच्छा लगता है, अगर आपको सपोर्ट मिल गया तो आप बोलोगे मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है. अगर आपको डेवलपमेंट मिल गया और आपको डेवलपमेंट ही अच्छा लगता है देन यू आर गुड. सो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी प्रोजेक्ट के ऊपर, आई वोंट कमेंट, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट इज इक्वली गुड and equally you have opportunity outside for that particular project. So projects are all good. Now coming to salary hikes. अगर मैं salary hike की बात करूँ तो salary hike सारी companies में once you are working in a particular company आपके salary hike almost same रहते हैं. आपको 10-20% or 15% का आपका हाइक होता है आपके पैकेज पे, इससे ज़्यादा कुछ हाइक नहीं होता है. तो आप सैलरी हाइक तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 के आपकी इनहैंड सैलरी में हर साल ऐड करते रहिए, इससे ज़्यादा सैलरी हाइक नहीं होगा. और ये सिर्फ TCS इन्फोसिस का नहीं, ये सारी कंपनीज का होता है. हाँ जब आप स्विच करते हैं तब आपका हाइक थोड़ा ज़्यादा होता है, बट अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी उतनी ही रहती है, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है. अगर अब मैं बात करूँ कि जैसे मैंने अभी बताया कि इन्फोसिस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, वेयर एज इन्फोसिस का पैकेज बहुत अच्छा है, इन्फोसिस रीहायर करती है, बट ये सब देख के आप इन्फोसिस ज्वाइन मत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि TCS के भी ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं. जैसे TCS जो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंपनी प्रोवाइड करती है, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट इन कोरोना पीरियड ऑल्सो इन्फोसिस ले ऑफ सम ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड दे हैव टू सफर अलॉट. सो या TCS ने अपने कोविड ड्यूरेशन में भी एक भी एम्प्लॉय को ना फायर नहीं किया है, नेवर. सो दीज आर दी कंपेरिजन अमंग दीज थ्री कंपनीज. सो अगर मैं पूरा ओवरऑल समराइज करके बोलूँ तो अगर जैसे मैंने बोला विप्रो, सो विप्रो को मैं लास्टली करूँगी क्योंकि जैसे कि बहुत बड़ा बॉन्ड है विप्रो में, 5 years का बॉन्ड. अगर आप किसी दूसरी स्टार्टअप में भी अगर आप काम करते हैं ना तो आपको अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस होगा, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, रादर देन अगर आप 5 साल तक एक डिजायर्ड पैकेज में काम कर रहे हैं एंड डिफाइंड पैकेज में, एंड सेम काम आपका कोई फ्रेंड एम्प्लॉय बाहर कर काम कर रहा है तो बहुत दुखता है क्योंकि उसको ज़्यादा पे मिल रहा है उस चीज़ के लिए जो आप काम कर रहे हैं एंड आपको कम पे मिल रहा है. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ TCS इन्फोसिस की तो अगर इन दोनों में एक ही डिफरेंस है जो कि है रीहायर प्रोसेस का, क्योंकि अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस में आप दोबारा रीहायर हो सकते हैं, वेयर एज इन TCS आप दोबारा रीहायर नहीं हो सकते अगर आपने एक बार TCS छोड़ दिया, ठीक है. तो मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो अगर आप TCS कभी ज्वाइन करें तो तब आप ज्वाइन करें जब आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ अगर आपका जब आप दूसरी जगह जल्दी से स्विच करने का ना सोचें, क्योंकि एक TCS की जो HIS इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक पर्टिकुलर एज में जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. तो मैं TCS के लिए यही बोलूँगी कि जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, व्हेन यू डोंट वांट टू स्विच सो ऑफन, तभी जाके आप TCS ज्वाइन करिए. बाकी यही थी आज की वीडियो. ये तो मेरे कुछ सजेशंस थे, मेरे कुछ सर्च के ऊपर जो मैंने मेरे पे पास जो नॉलेज थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बट करिएगा वही जो आपको सही लगेगा एंड डू व्हाट एवर यू फील लाइक. अगर आपको विप्रो में जाना है विप्रो में जाइए, TCS इन्फोसिस कैपजेमिनी लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके होने चाहिए. आई एम हेयर जस्ट टू गिव यू सजेशंस ऑन माई रिसर्चेज एंड ऑन माई एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट एंड डू शेयर द वीडियो हु आर इन नीड. थैंक यू सो मच, बाय बाय.